सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अम्बेडकर चौराहा खंडवा। चोरियों की घटनाओं को लेकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जो हमारी विभिन्न थाना क्षेत्रों की जो टीम है काम कर रही थी, इसी बीच थाना पदम नगर में 6/11/22 को एक फरियादी कमलचंद जो सिंधी निवासी के रहने वाले हैं, उन्होंने थाने आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात बदमाश इनके दिन दहाड़े इनके घर से, जब ये कहीं बाहर गए हुए थे तब इनके मकान में चोरी की है। उस चीज पे कुछ हमें फुटेज मिले थे और उसके बाद हमारी जो मुखबिर और जो अलग अलग टीमें बनाई थी वो सक्रिय थी। इसी बीच हमें सूचना प्राप्त होती है कि जो संदिग्ध है वो दिनांक 28/12/2022 को शहर में दिखाई दिए हैं। इस सूचना पर तत्काल हमने पुलिस ने घेराबंदी कर जो दो इसमें आरोपी है इनको इंदौर नाके और नए बस स्टैंड के बीच से गिरफ्तार किया। और जो जिन्हें गिरफ्तार किया उनका नाम है सोनू उर्फ बब्लू, ये जो निवासी इंदौर और एक साथी इसका अजय पिता नत्थू, ये भी मालवी नगर इंदौर के रहने वाले हैं। जब इनको गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की तो इन्होंने दिनांक 6/11/22 को जो पदम नगर में चोरी हुई थी उसके अलावा दो चोरियां और, एक चोरी थाना मोगट रोड में ये 26/12/2022 को, तो इसके पूर्व एक चोरी इन्होंने पदम नगर थाना क्षेत्र में 3 अप्रैल 2022 को की थी। इसमें इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि ये इंदौर से आकर इनके दो साथी और हैं, ये चार लोग मिलके जो सुने मकान रहते हैं जहाँ ताला लगा रहता था उसको अपना निशाना बनाते थे और चोरी करके सेम डे ही इंदौर पहुंचाते थे। इनकी पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्होंने जो चोरी का माल मशरूका है जो ज्वेलरी है वो इंदौर के रहने वाली लक्ष्मी बाई इसको दिया है। इस आधार पर हमने इनकी जो तीसरी महिला साथी है लक्ष्मी बाई इसको भी गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से चोरी गया लगभग 4 लाख रुपए का ज्वेलरी बरामद की है। इसी प्रकार थाना मोगट रोड में पिछले माह दो चोरी की घटनाएं हुई थी जो खानसावली क्षेत्र में हुई थी। पहली घटना 9 दिसंबर की है और दूसरी घटना है 18 दिसंबर की। इसमें भी दिन दहाड़े ही सुने मकान में चोरियां हुई थी। इसमें हमें मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि बुरहानपुर का मोहम्मद नदीम है जो इस प्रकार की वारदात करता है और वह अक्सर खंडवा आता जाता रहता है। इस निशानदेही के आधार पर मोहम्मद नदीम को हमने गिरफ्तार किया है और उसने दोनों चोरियों में 14,000 रुपये उससे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ तो चोरी में 4 मोबाइल भी चोरी हुए थे वो भी इस आरोपी से बरामद हुए हैं। इस प्रकार जो आरोपी ने पूछताछ में बताया कि यह बुरहानपुर में रहता है और खंडवा में चोरी के लिए आता है तब यह धर्मशालाओं में रुकता है। इसके साथ ही साथ यह उन क्षेत्रों में ये उन घरों को निशाना बनाता है जहाँ कोई कार्यक्रम है, कोई फंक्शन वगैरह होता है, जहाँ वहाँ के जो निवासी है वो तो कहीं और किसी कार्यक्रम में गए हुए रहते हैं, वो ऐसे कॉलोनियों को निशाना बनाता था और उन घरों में चोरियों को अंजाम देता था। कार्यक्रम वगैरह दावत वगैरह उन क्षेत्रों में इस जो जो पदम नगर थाना क्षेत्र में जो दो आरोपी गिरफ्तार किए हैं इनका इंदौर में आपराधिक रिकॉर्ड है जिसमें जो अजय के 6 अपराध हैं और साथ ही जो सोनू है इसके 2 अपराध है। इसी प्रकार जो मोगट रोड में जो आरोपी गिरफ्तार किया है मोहम्मद नदीम इसके बुरहानपुर में 4 जिसमें 3 चोरी के अपराध है और 1 छेड़छाड़ का अपराध। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें अम्बेडकर चौराहा खंडवा।